morning class 6. In the previous class, we have started chapter number 6, A Visit to Cambridge. And in this chapter, we are learning that how disabled people overcome from their problems. जो disabled लोग हैं वो अपनी problems से कैसे overcome करते हैं through the stories of Firdaus Kanga and Stephen Hawking. हम किसके through पढ़ रहे थे? Stephen Hawking और Firdaus Kanga की जो stories थी उनकी जो वो एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कि वो किस तरीके से उन लोगों ने अपनी जो डिसेबिलिटी है उसे ओवरकम किया है और लाइफ में इतना सब कुछ कैसे अचीव किया है, तो ये हम पढ़ रहे थे. एंड आज हम करेंगे पेज नंबर 39 से शुरू करेंगे. पेज नंबर 39 से शुरू करेंगे आज. तो उन्होंने पूछा कि आप अगर कोई एडवाइस देना चाहते हैं किसी को, किसको आप किसी भी डिसेबल्ड पर्सन है उसको कुछ एडवाइस देना चाहते हैं क्या? तो जो Firdaus Kanga थे उन्होंने कहा, आई थिंक दैट आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन दी वर्ल्ड. तो उन्होंने कहा कि आप तो जानते हैं कि इस दुनिया में कितनी काइंडनेस भरी हुई है, कितनी दयालुता भरी हुई है लोगों के मन में. यस ही सेड, तो उन्होंने कहा हाँ, इट वॉज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन. सिंथेसाइज होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, वॉइस सिंथेसाइजर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. वॉइस सिंथेसाइजर होता है जो वॉइस को रिकॉर्ड करके हमारा आंसर जो है सामने वाले को बताता है. नो शेड्स और नो टोन, जो वॉइस सिंथेसाइजर है, जैसे आज मैं बोल रही हूँ आपके साथ, आई कैन गिव दी इफेक्ट्स ऑल्सो. मेरी आवाज कभी ऊंची भी होती है, कभी नीचे भी होती है, बट जो वॉइस सिंथेसाइजर है उसे कोई इफेक्ट्स नहीं होते, उसमें कोई शेड्स नहीं होते, कोई टोन नहीं होता है. एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही अग्रीड विथ मी. एंथुजियास्टिकली का मतलब, जियास्टिकली का मतलब होता है उत्साहपूर्वक. क्या होता है एंथुजियास्टिकली का मतलब होता है उत्साहपूर्वक. ही अग्रीड, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितने एक्साइटेड थे मेरे साथ इस बात के लिए, अग्री करने के लिए. एवरी टाइम आई शिफ्टेड माय चेयर और टर्न माय रिस्ट टू वॉच द टाइम, हर एक टाइम मैं अपनी चेयर को शिफ्ट करता, आपको पता है कि दोनों पैरालाइज थे, तो वो दोनों क्या कर, जो चेयर को जैसे ही वो शिफ्ट करते और देखते अपनी रिस्ट कलाई पे ताकि टाइम क्या हो गया है. आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 मिनट्स काउंट. उन्हें जो 30 मिनट मिले थे वो हर एक 30 मिनट का पूरी तरीके से क्या करना चाहते थे, यूटिलाइज करना चाहते थे. आई फेल्ट ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन. रिलीफ एंड एक्सिलरेशन मतलब होता है एक्साइटमेंट, उत्साह. इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, जो मेरे अंदर उस टाइम पे उनसे बात करके जो भाव उत्पन्न हो रहे थे, मैं उनको क्या करना चाहता था, उनको फील करना चाहता था कि मैं उनसे मिलकर बहुत ही ग्रैटिट्यूड फील कर रहा हूँ. हाउ लिटिल इट मैटर देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्पेंड. ये क्या मेरे लिए कोई मैटर नहीं कर सकता कि मैं ना तो खड़ा हो सकता हूँ या फिर चल नहीं सकता हूँ. वो ये कहना चाह रहे थे कि उनसे मिलने के अंदर जो मेरा उत्साह था वो किसी भी मेरी डिसेबिलिटी के कारण कम नहीं हुआ था, चाहे वो मेरा चलना हो, चाहे वो मेरा खड़े होकर चलना ही. आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिचे फॉर मी. और मैंने उन्हें बताया, Firdaus Kanga ने उन्हें बताया कि वो किस तरीके से उनके इंस्पिरेशन रहे हैं. एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड नॉट थॉट हेल्प हिम. और वो ये चाहते थे कि ये जो थॉट है, ये जो विचार है, ये हर एक डिसेबल्ड पर्सन के अंदर आए कि उन्हें क्या करना चाहिए, जो हर एक मनुष्य जो डिसेबल्ड लोग हैं उन्हें इसको क्या करना चाहिए, लर्न करना चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उनसे क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए. ये हमने कर लिया है थोड़ा सा टेक्स्ट. अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे दिए हुए, साथ ही साथ करते जाएंगे.
सो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर है इसके. तो सबसे पहला है व्हेन द वॉकिंग वॉज टूअर वॉज डन. ये सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो है आई रश टू अ फोन बूथ एंड ऑलमोस्ट हियरिंग. तो ये सारा उस पैराग्राफ में दिया हुआ है. पहले आप सबसे पहले पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सारे आंसर्स वगैरह लिखेंगे. तो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे. सबसे पहला है व्हेन फोन. मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है. सबसे पहला है हु इज द ऑथर, व्हाट इज रॉन्ग विथ हिज फिजी. कौन है ऑथर, फिरदौस, गांगा इज द ऑथर. He has brittle bones. क्या थी उनकी, brittle bones थी उनकी. आया समझ में आपको. चलिए next है where did he rush after walking tour. कहाँ गया वो भाग कर, to his home, to the airport, to a phone booth या none of these. तो इसका आंसर है B का आंसर है third, टू अ फोन बूथ. कहाँ गए थे वो, फोन बूथ पे. आपको डायरेक्ट आंसर नहीं करने हैं, आपको सारे क्वेश्चन लिखने हैं फिर आंसर करने हैं. नेक्स्ट है हुम डिड ही कॉन्टेक्ट एट कैम्ब्रिज, किससे कॉन्टेक्ट करने की किया एंड फॉर व्हाट. ही कॉन्टेक्टेड टू स्टीफन हॉकिंग. वो क्या चाहते थे, वो मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो मिलना चाहते थे उनसे, इसीलिए उन्होंने कॉन्टेक्ट किया स्टीफन हॉकिंग को. नेक्स्ट है ही टॉक टू अ प्रोफेसर ऑन फोन. नो, फॉल्स. क्या आएगा इसका आंसर, फॉल्स. और लास्ट है Use the word tear in do differentiates. आपको tear के दो meaning लिखने हैं. ये question आप खुद करेंगे. Tear का मतलब होता है फाड़ना और एक tear होते हैं आंसू. आपको दो तरीके से लिखना है. He teared the book tears were in his. तो ये हमने हमारा फर्स्ट पैसेज कंप्लीट कर लिया है. आप इसको नोट कर लीजिए. फिर सेकंड वाला है एवरी टाइम आई फिस्ट शिफ्टेड द चेयर. जो अभी हमने पढ़ा था पैराग्राफ वो हम कंप्लीट करेंगे. अब है सेकंड, जो कि है एवरी टाइम, जो अभी अभी हमने कंप्लीट किया है. आप लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, यू हैव टू राइट द होल पैराग्राफ, होल पैसेज. अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर. स्पीकर कौन है, राइटर, स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग का असिस्टेंट या नन ऑफ दीज. तो फर्स्ट है राइटर. कौन बोल रहा है, राइटर. सेकंड है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ 30 मिनट्स. दो द सिग्निफिकेंस the writer wanted to utilize every single minute. writer क्या करना चाहते थे, एक एक मिनट यूज करना चाहते थे. थर्ड है हमारा
What did the writer tell him? Writer ने क्या कहा उन्हें? The writer told him, क्या कहा था उनसे कि वो उनके क्या है? Inspiration है. Writer told him that he is an inspiration. क्या है वो इनके लिए? प्रेरणा है, इंस्पिरेशन फॉर हिम. आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एक्सिलरेशन और इंस्पिरेशन. ये आप खुद करेंगे, आपको इन दोनों का मीनिंग डिक्शनरी में से ढूंढ कर करना है. एक्सिलरेशन का मतलब खुद करेंगे और इंस्पिरेशन का मतलब भी आप डिक्शनरी में से देखने शुरू करेंगे, राइट? देख कर करेंगे. और नेक्स्ट है, राइट द अपोजिट ऑफ डिस्कम्फर्ट. डिस्कम्फर्ट का हमें लिखना है अपोजिट. क्या लिखना है? अपोजिट. तो अपोजिट क्या हो गया? एक्सिलरेशन. डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सिलरेशन. क्या मतलब होता है? एक्सिलरेशन. आया समझ में आपको? ये दोनों आपको आज कॉपी में करने हैं, दोनों टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन करने हैं. बाकी का है मैं हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.